हेलो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश मैसेजिंग शॉर्टकट्स के बारे में है हम अक्सर डेली ढेर सारे मैसेज जो है टाइप करते हैं और मैसेज टाइप करने में काफ़ी समय लगता है तो कुछ कॉमन शॉर्टकट्स इंग्लिश में हैं जो जिसके यूज से हमारा जो है मैसेज बहुत ही ट्रेंडी हो जाएगा और बहुत ही हमारी जो टाइमिंग मैसेज करने में कम खर्च होंगे तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या क्या कॉमन शॉर्टकट्स इंग्लिश में यूज होते हैं तो आइए देखते हैं क्या क्या शॉर्टकट्स हैं दीज टर्मिनोलॉजी आर फ्रीक्वेंटली यूज इन सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म इट इन्हांसेज टेक्सिंग स्पीड टू द मैक्सिमम एक्स्ट्रेंथ इट टर्न्स योर टेक्स्ट और मैसेज ट्रेंडी ये जब आप इस तरह के मैसेज इस तरह के शॉर्टकट्स एक्रोनिम्स जब आप टेक्स्ट करते हैं चाहे ट्वीट करते हैं चाहे फेसबुक पे करते हैं चाहे व्हाट्सएप करते हैं या टेलीग्राम पे करते हैं तो आपकी स्पीड और आपका जो जो मैसेज का जो 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 वेट होगा जो वैल्यू होगी वो बहुत ही अपडेट एंड ट्रेंडी होगी तो इट इट टर्न्स योर मैसेज अ वेरी वैल्यूएबल एंड द रीडर्स विल बी मोर फैसिनेटेड टू रीड योर मैसेज एंड टेक्स्ट तो देखते हैं कौन कौन से कॉमन uh, शॉर्टकट्स uh, हैं फर्स्ट uh, है पहला है ए एस ए पी एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी हो सके देन अगला है बी टी डब्ल्यू बाय द वे नेक्स्ट सी एम एल कॉल मी लेटर कॉलमेटर आप सब जानते हैं कि मुझे बाद में फ़ोन करिए तो उस तरह के अगर सिचुएशन में आता है तो सी एम एल आप लिख सकते हैं टाइप कर सकते हैं सी टी सी कट द क्रैप कट द क्रैप का मतलब कि एस जो ना तो सच हो और ना ही इम्पॉर्टेंट हो ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जो झूठ बोल रहा हो वहाँ पे आप सी टी सी करके आप टेक्स्ट कर सकते हैं सी यू एल कैचूल लेटर Uh, फिर सी वाई एल सी यू लेटर दोनों का अर्थ जो है बाद में मिलता हूँ बाद में मिलने की बात हो करता है देन आप आता है डी एन डी डू नाट डिस्टर्ब जब आप मैसेज कर चुके होते हैं और आपको लगता है कि अब इसके बाद मुझे मैसेज न करे नहीं करना है और मुझे कोई डिस्टर्ब न करे तो आप डी एन डी करके आप मैसेज को छोड़ सकते हैं नेक्स्ट है एफ टू एफ फेस टू फेस मीन्स आमने सामने की बात होती है तो वहाँ पे आप फेस टू फेस एफ टू एफ लिख सकते हैं नेक्स्ट जो टर्म uh, है वो है एफ सी एफ सी मीन्स फिंगर क्रॉस्ड फिंगर क्रॉस मीन्स होपिंग फॉर अ गुड लक लक की उम्मीद करना फिर नेक्स्ट है एफ वाई आई फॉर योर इंफॉर्मेशन आपके सूचना के लिए जब ऐसा हम एफ वाई आई टैक्स्ट कर सकते हैं जी टू जी गॉट टू गो मीन्स कि हमको नीड टू लीव अब हमें जाना होगा ऐसे सिचुएशन में हमें जी टू जी टाइप कर सकते हैं गिम्मी गिम्मे मीन्स जी आई एम एम ई गिमे मीन्स गिम्मी नेक्स्ट और G O N N A Going to G R G Z गॉर्जियस आप सब जानते हैं Gorgeous का कहाँ सेंस है कैसे इसको यूज़ करना है फिर एच आई यू हाउ आर यू हाउ आर यू को हम एक्रोनिम्स एच आई यू यूज़ करते हैं फिर आई एम ओ इन माई opinion मेरे विचार से जब ऐसी बात आती है तो आई एम ओ आप लिख सकते हैं जे ए एम जस्ट अ मिनट हम जब मैसेज टाइप करते हैं या बात करते हैं तो बोलते हैं एक सेकंड के लिए थोड़े आ, एक मिनट के लिए तो जब वाइल्ड टेक्सटिंग मैसेज यू कैन आल्सो राइट जे ए एम जस्ट अ मिनट फिर जे सी जस्ट चिलिंग जस्ट चिलिंग इज बहुत ही कॉमन एक वर्ड uh, वर्ड है एक फ्रेज़ है यूज़ किया जाता है के आई टी कीप इन टच मीन्स मिलते रहिए वहाँ पे हम के आई टी कीप इन टच को हम लिख सकते हैं के एल कूल कूल भी है कि बहुत ही कॉमन एक ट्रेंडिंग वर्ड है के डब्ल्यू आई एम नो व्हाट आई मीन एल एट आर लेटर टर मीन्स बाद में एल बी लाइक बैक लाइक बैक मीन्स पिछले पिछले कहीं बात को अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं या उसका हम उदरण कर रहे हैं तो हम विल से एल बी एल ओ टी जेड लॉर्ड सॉफ नेक्स्ट है एल ओ एल लॉफिंग आउट लाउड जहां हंसने की बात होती है वहाँ पे हम एल ओ एल अक्सर आप लिख सकते हैं या पढ़ते भी होंगे टेक्स्ट या मैसेज में आप एम वाई एस मिस यूसो जब हम सिचुएशन जब हम किसी की बहुत याद आ रही है या मिस करते हैं तो हम मिस uh, यूसो लिखते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में एम वाई एस लिख सकते हैं एन स्ट्रोक वाई नो वे एन ई एनी एन वी एम नेवर माइंड नेवर माइंड मीन्स कोई बात नहीं एक ऐसे सिचुएशन आती है एक कभी तो वहां पे आप हम एन वी एम लिख टाइप कर सकते हैं ओ आई सी मीन्स ओ आई सी आर यू एफ आर ई आर यू फ्री एस यहाँ पे एक साइन देखिए मॉनिटर पे एस yes, कैप मीन्स अप अगला जो टर्म है वो है एस एल आर सॉरी लेट रिप्लाई ऐसे सिचुएशन में ऐसे जहां सेंस हो वहां पे आप एस एल आर लिख सकते हैं टी सी टेक केयर अपना ख्याल रखें अपना देखभाल करें वहां पे टी सी टी आई थैंक्स इन एडवांस अग्रिम धन्यवाद के लिए हम थैंक्स इन एडवांस होते से हैं या आर टी आई ए लिखते हैं टी बी एल बी द ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड मीन्स जो लीडर है वो कुछ नहीं जानता और जो फॉलोअर है उसको वो भी कुछ नहीं जानता दैट मीन्स द ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड टी बी एल बी वाना W A N N A. वा मीन्स वन टू फिर आपका नेक्स्ट है व्हाट्सअप व्हाट्सअप A S S U P. व्हाट्सअप हम बातचीत करते हैं क्या हो रहा है व्हाट्सअप व्हाट्सअप गाई तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं टेक्स्ट कर सकते हैं देन आपका आता है W C N L. will catch you later next y m b j you must be joking last hai z z z z that means sleeping agar aap is tarah ke um, uh, साइन को देखते हैं या टेक्स्ट करते हैं दैट इंडिकेट्स स्लीपिंग मुझे उम्मीद है कि इस जो एक्रोनिम्स जो शॉर्ट फॉर्म है या आपकी टेक्सटिंग या आपकी जो सोशल मीडिया पे जो इंटरेक्शन है वो आपको और इम्प्रेसिव बनाएगा और आपकी स्पीड को भी साइमल्टेनियसली वो इंक्रीज करेगा थैंक यू वेरी मच